बच्चों जैसे देख रहे हैं आप, मैं आप चीला रेंज पर खड़ा हूँ यहाँ पर। और चीला से हाथी की सवारी वाली इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ से किस तरह से आप घूम सकते हैं। दोस्तों अभी जो हम खड़े हैं यहाँ पर चीला रेंज पे, तो यहाँ पे क्या है कि आप जब बाहर से आते हैं और यहाँ पे आप सफारी करना चाहते हैं तो आप चीला रेंज पर सफारी कर सकते हैं। जैसे भी आपको मैंने दिखाया कि हाथी सवारी यहाँ पर जो जीप वगैरह भी है, जीप से भी सवारी कर सकते हैं आप। और जो यहाँ का समय है आप दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे समय है, यहाँ पे जो चीला रेंज में प्रवेश का, और जब आप टूर बाहर से घूमने के लिए आएंगे तो दोस्तों हरिद्वार से लगभग करीब 16 से 17 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपको। और ये इस तरह से यहाँ पर रेट है, हर चीज़ का रेट है। तो मतलब इंडियंस के लिए अलग है, फॉरनर के लिए अलग है यहाँ पर, और वीडियोग्राफी के लिए भी रेट अलग अलग हैं। देखिए आप किस तरह से लिखे हुए हैं। और ये यहाँ के जो हैं, जो यहाँ पे पशु जो हैं, जानवर जो हैं, जंगली जानवर जो हैं, किस तरह से यहाँ पर मिलते हैं। और दोस्तों हाथी और हिरन तो आपको अक्सर ही यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पार्किंग है, पार्किंग भी इनकी अपनी है। और ये जो जीप देख रहे हैं आप, इन्हीं जीप में लोग बैठा कर लेके जाते हैं आपको अंदर। और ये जो बुकिंग काउंटर है, यहाँ पर बुकिंग काउंटर है, राजीव टाइगर रिजर्व का बुकिंग काउंटर दोस्तों। दोस्तों यही इसका मेन गेट है जिससे कि एंट्री होगी। तो आशा है कि आपको मेरी जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी, ये जो राजी टाइगर रिजर्व की जो सफारी के लिए। तो आप जब भी आए यहाँ पर तो आप शेड्यूल में चेक कर सकते हैं। तो हर हर गंगे, जय माँ गंगे।